Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए अगर महिलाओं का ओवुलेशन हो गया है यानी ओवरी से एग रिलीज हो गया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि महिलाओं का उस महीने एग फर्टिलाइज हो ही जाएगा. अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती. कई बार महिलाओं के साथ यही होता है यानी ओवरी से एग तो रिलीज हो जाता है बट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाती है जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है. तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ नेचुरल से टिप्स बताने वाली हूँ जिसे फॉलो करके आप फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस को नेचुरल तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं. क्योंकि क्या होता है गाइस, देखिए कई बार महिलाओं की पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं होती है जिसकी वजह से महिलाओं का हर महीने ओवुलेशन नहीं हो रहा होता है और जिस महीने ओवुलेशन होता है वो वीक ओवुलेशन होता है. वीक ओवुलेशन का मतलब है कि ओवुलेशन के बाद आपकी बॉडी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ठीक तरीके से इंक्रीज नहीं होता या एग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती. अगर एग हेल्दी नहीं है तब भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल होने में दिक्कत आती है. तो सबसे पहले आपको एग को हेल्दी बनाना है यानी आपकी ओवरी से अगर हेल्दी एग रिलीज होगा तो 101% वो फर्टिलाइज होगा ही होगा, तभी जाके महिलाओं को हेल्दी प्रेगनेंसी भी कंसीव हो पाएगी. तो एग को हेल्दी बनाने के लिए आपको सबसे पहले लाइफस्टाइल को हेल्दी करना है. अगर आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करते हैं तो आपकी ओवरी से 101% गाइस हेल्दी एग रिलीज होगा. और लाइफस्टाइल में आपको क्या करना है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को कंट्रोल करना है, हेल्दी खाना खाना है, अनहेल्दी कुछ भी नहीं खाना है, शुगर नहीं लेनी है, एक्सेस सॉल्ट नहीं लेना है, कैफीन डाइट में नहीं लेनी है और डाइट में आपको एंटी ऑक्सीडेंट रिच फूड्स लेने हैं जो मेनली बेरीज में होते हैं, नट्स में भी होते हैं. तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, एग सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि फॉलिकल्स के अंदर एग होता है और एग धीरे धीरे मैच्योर होता है. तो एग सेल प्रोटेक्ट रहेगा तभी जाके वो ओवुलेशन के टाइम पे रिलीज होगा. तो उसके लिए आप एंटीऑक्सीडेंट अपनी डाइट में आज से ही लेना शुरू कर दें. और इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट महिलाओं की बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से भी बचाता है. इसके साथ आपको विटामिन सी भी जरूर लेना क्योंकि विटामिन सी महिलाओं के ओवुलेशन को ट्रिगर करता है. यानी अगर आपका फॉलिकल तैयार हो गया है, अंडा तैयार हो गया है तो उसके बाद ओवुलेशन होने में 24 से लेकर 36 घंटे का टाइम लगता है क्योंकि उसके बाद महिलाओं की बॉडी में एलएच हार्मोन राइज होना शुरू होता है. तो एलएच हार्मोन ट्रिगर करता है ओवुलेशन को. तो एलएच हार्मोन आपकी बॉडी में ठीक तरीके से राइज हो तो उसके लिए अपनी डाइट में विटामिन सी का इंटेक आपको अच्छा करना चाहिए. और विटामिन सी गाइस आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करता है जिससे अगर आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया होता है तो आपकी बॉडी उससे नेचुरल तरीके से फाइट भी कर सकती है. और इसके साथ आपको फर्टिलिटी मसाज करनी चाहिए. फर्टिलिटी मसाज आपको हमेशा जब आपकी पीरियड्स ब्लीडिंग खत्म हो जाती है उसके बाद तिल ओवुलेशन करनी है क्योंकि फर्टिलिटी मसाज करने से महिलाओं की ओवरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है. अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई ओवरीज तक हो रही है तो वो अपना काम ठीक तरीके से करती हैं, फॉलिकल ठीक तरीके से ग्रो एंड डेवलप होते हैं. अगर फॉलिकल ठीक तरीके से ग्रो एंड डेवलप होंगे तो अंडा भी हेल्दी होता है और हेल्दी अंडा ओवरी से टाइम पे रिलीज होता है. तो इसके साथ साथ फर्टिलिटी मसाज करने से हार्मोन भी बैलेंस रहते हैं, महिलाओं की बॉडी भी काम रहती है, नर्वस सिस्टम भी काम रहता है. देखिए क्या होता है गाइस, हमारे ब्रेन में ही पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ऐसा मटर के दाने की तरह. तो उससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, FSH एंड LH. तो FSH और LH हार्मोन ठीक तरीके से तभी रिलीज हो पाएंगे जब आपका ब्रेन ठीक तरीके से काम करेगा. यानी स्ट्रेस हार्मोन को भी आपको कम करना है. स्ट्रेस हार्मोन को कम करने के लिए आप एडाप्टोजन हर्ब ले सकते हैं, जैसे तुलसी एक एडाप्टोजन हर्ब है. तुलसी का आप यूज़ कर सकते हैं, तुलसी को पानी में डाल के ले सकते हैं या आप शतावरी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं. ये एडाप्टोजन हर्ब हैं जो आपके स्ट्रेस हार्मोन को नेचुरल तरीके से कम करती है. और इसके अलावा आप एक्सहेल और इनहेल की थेरेपी का भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है, जिससे कॉर्टिसोल जैसा हार्मोन कम होता है और जो महिलाओं के नॉर्मल हार्मोन हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए चाहिए रहते हैं उनका प्रोडक्शन महिलाओं की बॉडी में ठीक तरीके से हो पाता है. तो ये काम आपको करना है अपने एग को हेल्दी बनाने के लिए. और दूसरा काम आपको करना है अपनी डाइट में वाटर की क्वांटिटी बढ़ानी है क्योंकि अगर वाटर की क्वांटिटी आपकी डाइट में कम होगी तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी.
अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो आपका वजाइनल डिस्चार्ज कम निकलेगा या निकलेगा नहीं। अगर वजाइनल डिस्चार्ज कम निकलेगा या नहीं निकलेगा तो स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाएगा और स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको अपनी डाइट में 4 to 5 लीटर पानी पीना ही पीना है। जो वजाइनल डिस्चार्ज यानी सर्वाइकल म्यूकस आपका निकलता है उसमें 90% वाटर ही होता है। तो उसे इंक्रीज करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट तरीका है अपनी डाइट में वाटर की क्वांटिटी अच्छी कीजिए। और वाटर की क्वांटिटी अच्छी करने से आपकी बॉडी में अगर कोई भी टॉक्सिन्स है वो भी नेचुरल तरीके से फ्लश आउट हो जाते हैं। इसके साथ गाइज, अगर स्पर्म की क्वालिटी, मोर्टिलिटी क्वालिटी अच्छी नहीं है तभी एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। तो स्पर्म को हेल्दी बनाने का बेस्ट तरीका है कि आप लॉन्ग का मिल्क का इंटेक कर सकते हैं। पूरा महीना मेल को लेना होता है तो इसमें आपको मिल्क लेना है, फ्राई पैन में एक ग्लास और उसमें 2 लौंग को डालना है, उबालना है, वार्म होने के बाद उसे पी लेना है। पूरा महीना आप इसका इंटेक करके देखिए, डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। और इसके साथ साथ अगर मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है तो वो भी नेचुरल तरीके से ठीक हो जाती है। और इसके साथ आपको याद रखना है, जब आपका ओव्यूलेशन हो और उस टाइम आप कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट के जस्ट बाद आपको लेग ऑफ द वॉल पोज को करना है। लेग ऑफ द वॉल पोज को हम विपरीत करनी आसना के नाम से भी जानते हैं। इस पोज में आपको ऐसे अपने लेग को थोड़े टाइम के लिए होल्ड करना पड़ता है फॉर 10 to 15 मिनट्स। इससे क्या होता है, स्पर्म को ग्रेविटी मिलती है, स्पर्म को हेल्प मिलती है, जिससे स्पर्म के लिए अपना रास्ता तय करना आसान होता है, फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचना आसान होता है। अगर स्पर्म एग तक पहुंचेगा तभी जाके एग को फर्टिलाइज कर पाएगा। तो ये काम आपको करना है। इसके साथ आपको क्वालिटी स्लीप लेनी जरूरी है, यानी 10 to 7 का एक टाइम बना लीजिए जिसमें आपको रेगुलर ये चीज फॉलो करनी है, तभी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। क्योंकि सोने से आपके सेल्स रिपेयर होते हैं, आपकी एनर्जी रिस्टोर होती है, और इसके साथ साथ सोने से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं। और मेलाटोनिन हाई क्वालिटी ऑफ एग्स एंड हेल्दी एग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके साथ साथ ये आपकी फर्टिलिटी को भी नेचुरल तरीके से इम्प्रूव करता है। तो ये काम आपको करने हैं। अगर ये काम आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका ओव्यूलेशन भी हेल्दी होगा, एंड ओव्यूलेशन हेल्दी होने का मतलब है एग फर्टिलाइज होने के चांसेस भी आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं एंड बहुत जल्द प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। एंड यही आज का वीडियो, होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।